एनिमल किंगडम का कानून कहता है कि यदि जिंदा रहना है तो किसी ना किसी को मारना ही पड़ेगा, नहीं तो अगले पल आप खुद ही किसी खूंखार शिकारी के मुंह का निवाला बन सकते हो। शिकारी जानवर हमेशा ही मासूमों को मौत के घाट उतारते रहते हैं, क्योंकि इन मासूमों को मारना काफी आसान होता है। दोस्तों, यदि हम बात करें कि जब दो शिकारी आपस में भिड़ जाए तो लम्हा देखने लायक होगा, क्योंकि शेर हो या चीता, सभी एक से बढ़कर एक खूंखार शिकारी हैं। क्या होगा जब दो खूंखार शिकारी आपस में ही भिड़ जाए, जैसे जंगली कुत्ते और हाइनास अगर आपस में भिड़ जाए तो क्या होगा? आज हम देखेंगे कि किस तरीके से शेर और जंगली कुत्तों के बीच काफ़ी घमासान होता है, क्योंकि शेर इतने खतरनाक होते हैं कि वहाँ पलक झपकते ही अपने शिकार को मौत के घाट उतार देते हैं। इस वीडियो क्लिप में आप देख रहे होंगे कि एक शेरनी को जंगली कुत्तों ने घेर दिया है और शेरनी इन पर पलटवार भी करती है ताकि ये जंगली कुत्ते यहाँ से भाग जाए। लेकिन जंगली कुत्तों की संख्या ज़्यादा होने के कारण ये शेरनी अब इनके बीच बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुकी है और एक बार शेरनी एक जंगली कुत्ते को अपने जबड़े में पकड़ लेती है ताकि उसे वहाँ मौत के घाट उतार दे। लेकिन तभी सभी जंगली कुत्ते उस शेरनी पर टूट पड़ते हैं। इस समय काफ़ी अफरा तफरी का माहौल बन चुका है। आखिर ना जाने क्यों जंगली कुत्ते शेरनी को देख के ही इतना आक्रामक हो जाते हैं। एक बार फिर से इस वीडियो क्लिप में आप देख रहे होंगे कि कुछ जंगली कुत्तों ने पानी पर कब्जा किया है, लेकिन प्यासी शेरनी पानी पीने आ रही होती है। लेकिन तभी सभी जंगली कुत्ते धीरे धीरे उस शेरनी की ओर बढ़ जाते हैं ताकि वहाँ इस शेरनी को वहाँ से भगा सके, और शेरनी अभी भी शांत खड़ी रहती है। लेकिन अचानक ही शेरनी एक जंगली कुत्ते को पकड़कर उसको मौत के घाट उतारना चाहती है। लेकिन तभी सभी जंगली कुत्ते एक साथ उस शेरनी पर टूट पड़ते हैं। कोई उसको बैक साइड से नोच रहा होता है तो कोई फ्रंट साइड से उस पर अटैक करता है। शेरनी अपने को अकेला पाकर वहाँ पानी में जाकर खड़ी हो जाती है ताकि इन कुत्तों से वहाँ बच सके। और अब हम देखेंगे कि चीता और हाइना के बीच किस तरीके से अपने शिकार को लेकर खूनी खेल चलता है। इस वीडियो क्लिप में आप देख रहे होंगे कि चीता की नज़र इम्फाला के एक झुंड पर पड़ चुकी है और चीता दबे कदमों से इम्फाला की ओर बढ़ रहा होता है। तभी वह अचानक ही अपनी स्पीड बढ़ा देता है और इम्फाला पर टूट पड़ता है, और इम्फाला बेचारा चीखता पुकारता मदद की भीख मांग रहा होता है। लेकिन तभी नज़र पड़ती है एक हाइना की, और हाइना जैसे ही चीता की ओर बढ़ता है तो चीता भी घूरना शुरू कर देता है और हाइना धीरे धीरे इस इम्फाला पर अपना कब्जा जमा देता है और चीता वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझता है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।